Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Rabbi Zidni Ilma. Aaj hum everyday science ka lecture number 24 start karne lage hain aur ye lecture in fact koi itna detail mein nahi hai. Hum basic human body system ko start karne ja rahe hain aur iske jitne topics aayenge hum wo cover karenge. Human body पहले हमने सेल के मुतालिक डिटेल से सारे लेक्चर्स कवर किए हैं और डिटेल सेल बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक था और उसमें हमने एक्सटेंसिवली 4 से 5 लेक्चर कवर किए तो उसकी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि अक्सर क्वेश्चन उसमें से आ रहे होते हैं और यहाँ के जो टॉपिक्स हैं सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स इन द ह्यूमन बॉडी ये भी हम सारे का सारा कवर करेंगे और उसके बाद हम डिजीज़ वगैरह और बाकी जो जानदार हैं उनके मुतालिक जो जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे वो हम सारे कवर करते जाएंगे लेकिन सेल के बाद हम जो इंसान का जो सिस्टम है उसमें ब्रेन हम पढ़ेंगे लंग्स स्टोमिक लीवर और ब्लैडर ये सारे के सारे सिस्टम और इसके अलावा हम जो यहाँ पे मिसिंग शेप में ये हार्ट के मुतालिक भी हम पढ़ेंगे और वन बाय वन इनको सारे कवर हम करेंगे यानी कि डिटेल में ब्रेन की फंक्शनिंग लंग्स स्टोमिक यानी कि डाइजेस्टेशन का जो प्रोसेस है हाजमे का जो प्रोसेस है लीवर के फंक्शनिंग वर्किंग ब्लैडर ये ह्यूमन बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं नर्व सिस्टम है या फिर हमारी जो आइज़ हैं इसके अलावा आपका जो बाकी मैंने जिक्र किए हैं वो सारे के सारे हम डिटेल में पढ़ेंगे तो ब्रेन ये इम्पॉर्टेंट हमारा पार्ट आएगा सबसे पहले हम इसी को स्टार्ट करेंगे इसके अलावा लंग्स के मुतालिक क्योंकि हम जब आगे चल के डिजीज़ की बात करेंगे तो ये मुख्तलिफ इनके जो वजूहात होती हैं वो कौन सी बीमारी किस वजह से हो रही होती है किस सिस्टम के फंक्शनिंग प्रॉपर नॉट करने की वजह से कौन सी बीमारी शुरू होती है तो वो उनके लिए इन सारे जो सिस्टम हैं इनकी वर्किंग के बारे में मालूम होना ज़रूरी है और इसके अलावा जो स्टमक है इसका काम क्या होता है जब हम खुराक खाते हैं तो हाजमा जो होता है वो इसी में मेन जो चीज़ है प्रोसेस हो रही होती है और आगे चल के कुछ और भी इसमें जो बॉडी के लीवर से केमिकल शामिल होता है तो अल्टीमेटली हम इसका डाइजेस्टेशन का प्रोसेस कितनी फेजेज में होता है वो हम कवर करेंगे इसके अलावा लीवर के क्या मसाइल होते हैं लीवर से कौन सी बीमारियां जन्म लेती हैं और लीवर वर्किंग कैसे करता है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे और ब्लैडर इसके अलावा हार्ट इम्पॉर्टेंट है इससे अक्सर क्वेश्चन आ रहे होते हैं तो इससे जुड़ी हुई जितनी छोटी मोटी जितनी इन्फॉर्मेशन वेन आर्टरीज़ बड़ी वेन का नाम क्या है छोटी का नाम क्या है ये सारी चीज़ें हम इसी में हम कवर करेंगे इसके अलावा जो किडनी है इनकी मकसद क्या होता है वर्किंग क्या होती हैं और कैसे ये वर्कआउट कर रहा होता है और इसमें माल फंक्शनिंग कब हो सकती है ये भी हम देखेंगे तो आज सिर्फ थोड़ा सा हम इनका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं ब्रेन की अगर हम बात करें ये डिटेल नहीं है डिटेल में हम बाद में पढ़ेंगे द ब्रेन इज़ द इम्पॉर्टेंट organ in your body the brain controls your body and everything it does without your brain your body would not work you would not be able to breathe walk talk learn think remember things as well as be able to feel happy or sad ye sari ki sari jo cheeze hain hamare mind se generate ho rahi hoti hain our brain makes us हु वो यार ये हमारा दिमाग ही है हमें जो पहचान देता है हमारी ज़िंदगी को एक कंट्रोल देता है योर ब्रेन सेंड्स सिग्नल थ्रू योर बॉडी थ्रू योर नर्व्स जो दिमाग है जो सोचता है जो प्लान करता है या जो अपने पैगाम है या जो कंट्रोल कर रहा होता है ये नर्व सिस्टम से कर रहा होता है योर नर्व्स अलाउ यू टू फील एंड टच ऑब्जेक्ट्स हमारा नर्व सिस्टम ही हमें एहसास देते हैं और खुशी और गमी और ये सारी चीज़ें हमें हमारा नर्व सिस्टम दिमाग से कंट्रोल हमें कर रहे होते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन कंट्रोल डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्सों का फंक्शनिंग मुख्तलिफ होता है वी नीड ऑल ऑफ दीज पार्ट्स ऑफ आवर ब्रेन
ٹو ورک پراپرلی. تو یہ جو مختلف حصے ہیں ان کا پراپر فنکشننگ کرنے سے ہی ہماری زندگی کا وجود رہتا ہے, تو ان کو انڈرسٹینڈ کرنا بھی ہمارا ضروری ہے. اس کے علاوہ دا لنگس کی ہم بات کریں, دا لنگس آر دی آرگنس وچ ہیلپ آس ٹو بریتھ. وی بریتھ ان ایئر آکسیجن تھرو آور نوز اینڈ ماؤتھ. دا آکسیجن از دین ٹیکن ان ٹو آور باڈی ٹریولنگ تھرو دی بلڈ اسٹریم ٹو باڈی سیلس. دا باڈی سیلس دین یوز دا آکسیجن ٹو گیٹ انرجی. ویسٹ سبسٹینسز لائک کاربن ڈائی آکسائڈ جو کہ ویسٹ ہوتی ہے آر دین ریلیزڈ ان ٹو دی باڈی کیریڈ ٹو دی لنگس ٹو لیو دا بلڈ اینڈ از دین بریتھ آؤٹ تھرو آور ماؤتھ. تو یہ کس طریقے سے ہماری باڈی کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے اور اس کو کہاں اور کیسے ہم پھیپھڑوں میں آتی اور ہم اپنے منہ سے اس کو نکالتے ہیں. تو یہ سارے کا سارا لنگس کا پروسیس ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو اسٹومک ہے یا ہضمی کا اس کا کام ہے, تو اس میں مین کیا اس کا ہے, دا اسٹومک از ویئر آور فوڈ گوز. آور اسٹومک ہولڈ دا فوڈ وی ہیو ایٹن وچ اٹ دین بگنس ٹو بریک ڈاؤن تھرو دی کنٹریکٹنگ آف دی مسلز ان دی اسٹومک والز. تو اس کے اسٹومک والز کے اندر جو کنٹریکشن کا جو پروسیس ہے, یعنی کہ وہ جب پھیلنے اور سکڑنے کی وجہ سے اس خوراک کو توڑتے ہیں. After 2 hours of the stomach digesting the food we have eaten it, then leaves the stomach and travels to another parts of our body known as the small intestine. Without a stomach, we would have no place in our body to store food. This would then prevent us from eating, therefore not allowing for us to survive. تو سیم اس طریقے سے لیور کا بھی ہے اور بلیڈر بھی ہے, ہارٹ بھی ہے, کڈنیز ہیں, باڈی ہے. تو یہ سارے کے سارے ہم آنے والے ٹاپکس جو ہیں ہمارے کنجیکٹو ون بائی ون ہم ڈیٹیل سے پڑھتے جائیں گے. اور آج کا ہمارا صرف انٹروڈکٹری تھا کہ ہم آنے والے لیکچر میں کیا کچھ کور کرنے جا رہے ہیں. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.